मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जेहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूशरी पढ़ते वक्त अगर हुजूर के ग़ुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त उस वक्त भी हमें नबी पाक का ही ग़ुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के ग़ुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम। जब तक निज़ाम नाफिज नहीं होता, निज़ाम यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं, कुरान पाक जितना मर्ज़ी आप वहाँ पढ़ें वो इजाज़त देते हैं, आप ज़कातें दें जितनी मर्ज़ी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्ज़ी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला है ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला यह है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए, उनको तो मसला यह है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नज़रिए क्या हैं और नज़रिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना? बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पर चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ये काम वहाँ भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहर आगे निकल गया है, उनकी जमहूरियत तो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे और कोई फ़र्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वत खोरी, भत्ता खोरी और नजायज़ फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहाँ भी होते हैं। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी जब पाकिस्तान बना, ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहाँ ना सोशलिज़म, ना वहाँ खाली जमहूरियत का राग हलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उनवान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ हुजूर का निज़ाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक ख़त्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहाँ बताया गया कि लोग वहाँ हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे। वहाँ वही बात होगी जो जनाब सिद्दीक अकबर करते थे, वहाँ वही जुमले दोहराए जाएंगे जो हज़रत उमर फरमाते थे, वहाँ उसी तरह गरीब पर सखावत की जाएगी, उसे दिया जाएगा जिस तरह हज़रत उस्मान गनी करते थे, वहाँ उसी तरह फ़ख्र का दौर दौरा होगा, सादगी का हुस्न होगा, अपनाइत का नूर होगा जो मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। इस सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, इस सोच की बुनियाद पर, और इसी सोच को आगे लेकर के जाया गया। कोई सियासी पार्टी अब ये बात नहीं करती। दो कौमी नज़रिए का माना यह था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना अलग है, हमारा उठना बैठना खाना पीना सारे मामलात अलग हैं, तहजीब व तमद्दुन अलग है, लिहाजा हमें अलग से खित्ता चाहिए जहां हम इस्लामी नज़रियात के मुताबिक आज़ाद होकर अपना वक्त गुजार सकें। इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, दो कौमी न, पहले तो अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। अल्लामा इकबाल का पहले ख्याल ये था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने लिखा था। फिर इकबाल कहते हैं मेरी सोच बदली और फिर मैंने कहा कि नहीं, खित्तों के ज़ोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के ज़ोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर कयास अकवाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मज़हब की बुनियाद पे नहीं हुई,
ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थी, छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थी, कबीलों की लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मज़हब की बुनियाद पर ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पर बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई, पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में आई, एक मदीना तय्यबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस वतन को, खित्ते को हासिल किया गया, यही नारा लगाया गया।